मध्य प्रदेश में सरकार की तस्वीर साफ हो चुकी है। लंबे समय से चली आ रही जद्दोजहद आज खत्म हो चुकी है। विधायक दल की बैठक के बाद यह तय हुआ है कि सूबे की कमान मोहन यादव के हाथों में होगी, जबकि मध्य प्रदेश में भी छत्तीसगढ़ की तर्ज पर दो डिप्टी इसमें राजेश शुक्ला और जगदीश देवड़ा को डिप्टी सीएम बनाया गया है, जबकि सीनियर लीडर नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। मध्य प्रदेश के होने वाले मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं। भोपाल के प्रदेश कार्यालय में सोमवार को पार्टी विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मोहर लगी है। मोहन यादव ओबीसी वर्ग से आते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका सभी विधायकों ने समर्थन किया।